नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जिला स्पेशल ओलंपिक जालंधर द्वारा स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स का किया गया आयोजन, 130 विशेष एथलीट्स ने लिया भाग। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ की कार्रवाई, संशोधित साइलेंसर जब्त कर किए नष्ट। और अब हलचल विस्तार से। जिला स्पेशल ओलंपिक जालंधर द्वारा साइंदा स्कूल की ग्राउंड में विशेष बच्चों के लिए स्पेशल ओलंपिक गेम्स का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में विधायक रमन अरोड़ा और एरिया डायरेक्टर परमजीत उपस्थित रहे। जिला स्पेशल ओलंपिक की अध्यक्ष उपेंद्र कौर आनंद ने बच्चों को तिलक लगाकर खेलों का शुभारंभ किया। चानन वोकेशनल एंड स्किल ट्रेनिंग सेंटर के बच्चों ने इस प्रतियोगिता में भाग लेकर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। इस आयोजन में करीब 130 एथलीट्स ने भाग लिया, जिन्होंने दौड़, शॉटपुट, लॉन्ग जंप, साइकिलिंग जैसी विभिन्न गतिविधियों में भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान स्वर्गीय अमरजीत सिंह आनंद को भी श्रद्धांजलि भेंट की गई और उनके कार्यों की सराहना की गई। चानन सेंटर के बच्चों ने कुल 17 पदक अपने नाम किए, जिनमें 7 गोल्ड, 6 सिल्वर और 4 ब्रॉन्ज मेडल शामिल हैं। इस अवसर पर जिला स्पेशल ओलंपिक की अध्यक्ष उपेंद्र कौर आनंद, प्रधान राजीव द्विवेदी, सचिव तेजपाल सिंह, जिला स्पोर्ट्स डायरेक्टर रेखा कश्यप, मनीष अग्रवाल, सुखमन कौर, नरेंद्र कौर सहित कई विशेष अतिथि और अध्यापक उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। पुलिस कमिश्नरेट जालंधर स्वपन शर्मा के नेतृत्व में कमिश्नरेट पुलिस जालंधर ने संशोधित साइलेंसर के उपयोग पर व्यापक कार्रवाई शुरू की है। हालांकि सरकार ने इन साइलेंसर के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है, फिर भी कुछ व्यक्ति परिणामों की परवाह किए बिना इनका उपयोग करना जारी रखे हैं। संशोधित साइलेंसर से निकलने वाली तेज थिरकने वाली आवाज कुछ समूहों, विशेषकर युवाओं के बीच एक चलन बन गई है, जो इसे एक स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में देखते हैं। वहीं संशोधित साइलेंसर ध्वनि प्रदूषण में बहुत योगदान देते हैं, जो बच्चों, चिकित्सा रोगियों और वरिष्ठ नागरिकों सहित कमजोर समूहों को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं। पिछले 3 महीनों में कमिश्नरेट पुलिस ने गश्त के प्रयासों को तेज कर दिया है और संशोधित साइलेंसर के उपयोग की निगरानी व रोकथाम के लिए जालंधर भर में कई चौकियाँ स्थापित की हैं। पिछले 3 महीनों में 30 विशेष अभियानों में 206 बुलेट मोटरसाइकिलें जब्त की गई। ये उन लोगों के लिए एक चेतावनी के रूप में कार्य करता है, जो कानून के तहत उत्तरदायी बनाकर अवैध संशोधनों का समर्थन करते हैं। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन रजनीश शर्मा की रिपोर्ट। कार्रवाई हैगी लगातार, साड़ी पिछले 3 महीने से कार्रवाई चल रही हैगी। लगभग 3 महीने से असी लगभग 30 जड़े स्पेशल ऑपरेशन जड़े है इलीगल जड़े साइलेंसर है बुलेट के लगते हैं उन्होंने खिलाफ असी जरा किया। लगभग 206 व्हीकल टू व्हीलरस बुलेट है असी इंपाउंड किए थे, नाले इन्हों भी डिस्ट्रॉय कराने की असी कार्रवाई जी है की हैगी। असी जनरल जलंधर पुलिस कमिश्नरेट अगे भी इस संबंध से जी है अपनी कार्रवाई जारी रखेगी, क्योंकि आ जड़ा है काफ़ी न्यूसेंस क्रिएट करता है और लोगों की हेल्थ में भी जो है प्रभावित करता है। सर, आम पब्लिक को की मैसेज? आम पब्लिक ने अपील है कि इलीगल जो साइलेंसर है अपने बुलेट ना लगवाएं। अगर इस संबंध के अगर कोई बंदा अगर व्हीकल इंपाउंड होंदा है तो इस संबंध से जड़ा है उन्होंने जड़ा है फाइन उन्होंने व्हीकल है वो सीज हो सकता। दीपावली से पहले धनतेरस के अवसर पर अमृतसर के बाजारों से जहाँ रौनकें देखने को मिली, तो वहीं ज्वेलरी शोरूम में लोगों की
काफ़ी भीड़ भी देखने को मिली, जिसके चलते जहां दुकानदारों के चेहरों पर रौनक थी तो वहीं लोगों ने भी जमकर खरीदारी की। इस अवसर पर ज्वेलरी शोरूम की मालकिन वैशाली खुराना ने बताया कि लोग कहीं ना कहीं धनतेरस को लेकर कश्मकश में थे कि आखिरकार धनतेरस आज है या कल, लेकिन इस बार दो दिन धनतेरस के आए हैं, जिस संबंधी लोग बड़ी संख्या में शुभ दिन पर खरीदारी करने के लिए पहुंचे, क्योंकि इस दिन के इंतजार में लोग कई दिनों से शॉपिंग को पेंडिंग रखे हुए थे और आज के दिन बर्तन ज्वेलरी व अन्य वस्तुओं की खरीदारी करते हैं व लोगों में धनतेरस को लेकर काफ़ी उत्साह भी है। इस अवसर पर खरीदारी करने आए लोगों ने बताया कि उनके द्वारा धनतेरस के अवसर पर बाजारों में खरीदारी की गई है, क्योंकि पुरातन समय से इस दिन को खरीदारी के लिए शुभ माना जाता है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। हेलो, आई एम वैशाली खुराना, डायरेक्टर ऑफ खुराना ज्वेलरी हाउस, और वेरी हैप्पी धनतेरस टू ऑल ऑफ यू। सो जैसे कि आज धनतेरस है, हमारे क्लाइंट्स को थोड़ी सी कंफ्यूजन थी कि आज धनतेरस है कि कल धनतेरस है। सो मैं आपकी ये कंफ्यूजन दूर कर देती हूँ, धनतेरस आज भी है और कल भी है। सो इस बार दो दिन है धनतेरस। सो अब जैसे कि आज धनतेरस है और आप देख सकते हैं कि लोग आज परचेसिंग के लिए आए हुए हैं, कहते हैं ये बहुत ही ऑस्पिशियस डे है फॉर परचेसिंग। आप आज के दिन अगर कुछ खरीदते हो तो ये बहुत ही लकी माना जाता है। कहते हैं कि आज के दिन जब आप कोई ज्वेलरी लेते हो तो एक तरह से आपको गॉड से ब्लेसिंग्स भी मिलती है। आज धनतेरस के दिन पे ये पता है सबको कि झाड़ू खरीदते हैं, ज्वेलरी बर्तन कुछ भी खरीद सकते हैं, तो मैंने कहा क्यों नहीं, ये बेस्ट ज्वेलर है यहाँ के, मेरी फ्रेंड ने रेकमेंड किया इससे। कहाँ पे आए आप? खुराना ज्वेलर्स। आज क्या आपने शॉपिंग की है? अभी मैंने करनी है, मैंने अपने लिए इयररिंग सोची है, मेरी ये बेटी है छोटी सी, इसके लिए रिंग सोची है, तो गिब्बी हो गई सोने की, जो भी मतलब लगा। मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं चंडीगढ़ से हूँ, तो मैंने इनके बारे में बहुत सुना है कि ये बड़े अच्छे ज्वेलर हैं, मेरी फ्रेंड ने कहा तो मैं आज यहाँ पहली बार आई हूँ, बस अब इसके बाद शॉपिंग करने जा रही हूँ। मेरा नाम अशोक निश्चल है। आज मार रोड से खुराना ज्वेलरी होते से आए हूँ। ये बहुत अच्छा कंसर्न और रिप्यूटेड कंसर्न है। 1950 तो लोगों की सेवा च ने, सर्विस विद समाइल इन्हों का माटो। कोई भी कस्टमर अज शॉपिंग करेगा तो गिफ्ट तो बगैर वापस नहीं जाए। इन्हों की हालवे पॉलिसी है कि असी सर्विस जी देनी है वो अच्छी देनी है, प्योरिटी वाली देनी है, मनी बैक भी गरंटी है, उसके विच भी कस्टमर को कोई धोखा नहीं, कोई कुछ पक्का बिल देना है, अच्छे काम करते हैं, डिजाइनिंग दे आर अवार्ड विनिंग, मैक्सिमम अवार्ड जो वर्ल्ड के इंडिया के इन्हों के। विश्व सनातन धर्म सभा पंजाब का दूसरा अधिवेशन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी जालंधर में अध्यक्ष अश्विनी सेखड़ी की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें वरिष्ठ संरक्षक एवं समाज सेवक मंत्री श्री निवासलू ने मुख्य अतिथि, जबकि संरक्षक राम गोपाल ने विशेष रूप से शिरकत की। इस अधिवेशन का आयोजन महासचिव महेश गुप्ता द्वारा किया गया। इस अवसर पर मंडी गोविंदगढ़ से वरिष्ठ उपाध्यक्ष देवी दयाल, बठिंडा से उपाध्यक्ष राज लंबरदार, अमृतसर से गुलशन महाजन, राजीव अनेजा, जय गोपाल गोयल, दीपक सतीश मल्होत्रा, संजीव सचदेवा, शेरू चंद्र, सोना भूला, कुलभूषण, अश्विनी मल्होत्रा, महेश ज्ञान प्रकाश सहित अलग अलग सनातनी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने भाग लिया। इस मौके पर महासचिव बुद्धि अग्रवाल सहित सभी सदस्यगण भी उपस्थित रहे। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन जतिन राजपूत की रिपोर्ट। जय श्री राम, जय श्री राम। आज सनातन धर्म सभा का दूसरा अधिवेशन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के विच कीता गया, जिस दी मार्गदर्शकता साडे मार्गदर्शक श्री नवासनू जी, प्रधान अश्विनी सेखड़ी जी, उप प्रधान देवी दयाल जी, वाइस प्रधान राज लंबड़दार जी, बुधीश अग्रवाल जी, दास भी वाइस प्रधान महासचिवी है, और गुलशन महाजन जी, सारियां दे उपराले दे नाल दूसरा अधिवेशन लवली यूनिवर्सिटी कीता गया, जिस दे विच दो मते पास किए गए, जिस दे विच कि सेंटर गौरमेंट दियां जो भी सहायता हैगियां वा
ਜੋ ਵੀ ਸਕੀਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਜਨਤਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਵਾ ਬਟ ਜਾਗਰਿਤੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਘੱਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਅਸੀਂ 1100 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਅਯੋਧਿਆ ਧਾਮ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫੈਲੋਸ਼ਿਪ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇ ਵਧਣਗੇ ਔਰ ਸਮਾਜ ਇਕੱਠਾ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਸਨਾਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਵਰਗ ਹਰ ਸਮਾਜ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ, ਬਟ ਕੁਛ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਤ ਪਾਤ 'ਚ ਵੰਡਣ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੀੜਾ ਚੱਕਿਆ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਉਸਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲ ਪਾਏਗਾ। ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਆਪਣਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਾ, ਉਸ 'ਚ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ ਵਾ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਨਾਤਨੀ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਨੂੰ ਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿਨ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਸਤੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਲੋਕ ਆਏ, ਮੈਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਭਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਅੱਜ ਸਮੂਹਿਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਸਭ ਨੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲਿੱਤਾ ਔਰ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ, ਜੈ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ। सिद्ध शक्तिपीठ श्री देवी तालाब मंदिर के पावन दरबार में साप्ताहिक भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें बाल व युवा गायकों ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को झूमने पर विवश कर दिया। इस अवसर पर गायक विजय कौड़ा ने गणेश वंदना को गाकर इस भजन संध्या की शुरुआत की, जिसके बाद वीनू सहगल, गोपाल पांडे, बिनी सवरिया, चंद्र कन्हैया, डॉली, रजवीश शर्मा और मीनाक्षी ने माँ भगवती की महिमा का गुणगान कर उपस्थित भक्तों को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस दौरान कोषाध्यक्ष पविंदर बहल, मंच संचालक बलदेव आनंद और रमन शर्मा ने आई हुई भजन मंडियों को माँ की चुनरी देकर सम्मानित किया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁੰਦਰ ਸੰਕੀਰਤਨ ਨਰੇਸ਼ ਜੀ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਮਾਇਆ ਮਾਂ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਣੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਰੱਖੇ ਬੇਦ ਕਰਿਆ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਰੱਖੇ। ਤੋ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ, ਦੀਪਾਵਲੀ ਦਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਜੋ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੀ ਪਾਵਨ ਚੌਕੀ ਹਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੀਪਾਵਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1 ਵਜੇ ਤੱਕ ਹੋਏਗੀ, 1 ਵਜੇ ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਅਰਦਾਸ ਦਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੇ ਇਸ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਚੁਪਹਿਰਾ ਜੋ ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਸਮਾਂ ਹੋਏਗਾ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਇੱਛਾ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਤੋ ਸਾਰੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਾਂ ਕੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਓ ਔਰ ਮਾਂ ਕੋ ਝੋਲੀਆਂ ਭਰਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਤੋ ਆਪ ਸੁਣਦੇ ਹਨ ਸ਼ੰਕਰ ਸ਼ਹਿਗਲ ਜੀ ਕੋ ਮਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਬੇਨਤੀ। ਤੇਰੇ
मेरा जी करता
और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। जिला स्पेशल ओलंपिक जालंधर द्वारा स्पेशल ओलंपिक्स गेम्स का किया गया आयोजन, 130 विशेष एथलीट्स ने लिया भाग। जालंधर कमिश्नरेट पुलिस ने ध्वनि प्रदूषण के खिलाफ की कार्रवाई, संशोधित साइलेंसर जब्त कर किए नष्ट। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।